सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट S-400 डील को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया की S-400 डील को लेके यूनाइटेड स्टेट काफ़ी नाखुश है और वो कई बार इंडिया को S-400 की अल्टरनेटिव के तौर पर US में वेपन को ऑफर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया S-400 डील को कैंसिल नहीं करना चाहता है और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कई बार काटसाट के अंदर सैंक्शन लगाने की धमकी दी गई। लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि शायद इस बार S-400 डील को US डॉलर के बदले यूरो में करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की सैंक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। और अभी S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड क्रू मेंबर्स को रशिया भेजने का प्लान किया गया है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इसी साल अक्टूबर तक ही इंडियन क्रू मेंबर्स को रशिया भेजा जाएगा, जहां पर उनको S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सिस्टम को 2020 के अंत तक ही इंडिया को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और शायद S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को 2020 के अक्टूबर में ही इंडियन आर्म फोर्सेज में इंडक्ट कर दिया जाएगा। S-400 सिस्टम में अभी 4 तरह के मिसाइल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही तरह के मिसाइल को खरीद रहे हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर है। अगला अपडेट स्कॉर्पियन सबमरीन को लेके है। कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन INS खंडेरी को सर्विस में शामिल करने के लिए अभी इंडियन नेवी ने इनकार कर दिया है। इसका वजह यह बताया गया था कि INS खंडेरी की प्रोपल्सन सिस्टम में काफ़ी नॉइज आ रही थी, जिस वजह से पानी के अंदर इसे कोई भी दुश्मन की वेसल आसानी से स्पॉट कर सकता है। इसके साथ ही इसमें और भी 35 डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसे ठीक करने के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड को नेवी की तरफ से बताया गया था। उस वक्त ये बताया गया था कि इसकी सारे सिस्टम को ठीक करने में काफ़ी वक्त लग सकता है और इसको वापस टेस्ट करके इंडियन नेवी में शामिल करने में 1 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था वो काफ़ी हद तक गलत था, क्योंकि कलवरी क्लास के सबमरीन्स काफ़ी स्टेल्थी होते हैं और ये काफ़ी कम नॉइज करते हैं। लेकिन INS खंडेरी की बात करें तो इसकी प्रोपल्शन सिस्टम को लेके जो बात बताया गया था कि ये काफ़ी हद तक नॉइज कर रही है और ये बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो ये काफ़ी गलत था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि ट्रायल के दौरान ही इसके प्रोपेलर्स में कुछ लग गया था, जिस वजह से ये बेंड हो गए थे और इसी वजह से वहाँ से नॉइज आ रही थी। अभी इनको रिप्लेस कर दिया गया और टेस्ट के दौरान इसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल इसे इंडियन नेवी में शामिल होने में कुछ और वक्त लग सकता है। अगला अपडेट डोर्नियर एयरक्राफ्ट को लेके है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक अपडेट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अभी पहली अपग्रेडेड डोर्नियर एयरक्राफ्ट को अगले महीने तक डिलीवर किया जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी 1 साल से ज़्यादा पीछे चल रहा है, लेकिन 2015 में इसे 14 डोर्नियर एयरक्राफ्ट को नए कॉकपिट और एवियोनिक्स सिस्टम के साथ अपग्रेड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। अभी HAL की तरफ से बताया गया कि इस तरह की 2 एयरक्राफ्ट को अभी बेंगलुरु और कानपुर में टेस्ट किया जा रहा है और HAL दावा करता है कि वो अगले महीने तक इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकते हैं। अभी इस तरह के टोटल 125 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जिनमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। अगला अपडेट पृथ्वी मिसाइल को लेके है। प्रेस ट्रस्ट इंडिया में एक अपडेट के मुताबिक कल रात को ओडिशा तट से पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से करीब 8:30 के आसपास टेस्ट किया गया था। इससे पहले भी पृथ्वी 2 मिसाइल की नाइट ट्रायल को 21 फरवरी 2018 में कंडक्ट किया गया था और हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से बताया गया है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का एक रूटीन ट्रायल था, जिसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसमें 100 kg से लेकर 500 kg तक के वॉरेट को कैरी किया जा सकता है। मंगलवार को भी इसके बारे में एक अपडेट आया था कि उड़ीसा तट से अभी नेविगेशनल एरिया वार्निंग को इशू किया गया है और इसे करीब 350 किलोमीटर के एरिया में किया गया था, लेकिन उस वक्त ये बताया नहीं गया था कि किस मिसाइल का टेस्ट होने वाला है और उस वक्त अंदाज़ा लगाया गया था कि शायद इस बार ब्रह्मोस मिसाइल की शिप लॉन्च वेरिएंट को टेस्ट किया जाएगा। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक अपडेट के मुताबिक MKU लिमिटेड अभी इंडियन आर्मी के लिए करीब 1.58 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट को सप्लाई करने वाली है। MKU लिमिटेड के MD नीरज गुप्ता जी ने मीडिया को बताया कि अभी रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अभी एक नई तरह की इंटीग्रेटेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप किया है, जिसे
बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल करने के बाद हमारे जवानों को इन जैकेट्स को कैरी करना काफ़ी आसान हो जाएगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अभी MKU लिमिटेड बुलेट प्रूफ जैकेट की वेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो जवानों के कंफर्ट को भी ध्यान में रख रहे हैं। MKU लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग आर्मर और इलेक्ट्रोऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि पूरे दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा देशों के मिलिट्रीज के लिए इनको सप्लाई करती है, और हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने 1.25 लाख हेलमेट्स को सप्लाई किया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि जब अभिनंदन वर्धमान जी ने F-16 को मार गिराया था तो उसके बाद उनका प्लेन भी क्रैश हो गया था, और इसको लेके पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की JF-17 ने अभिनंदन जी के MiG-21 को मार गिराया था। लेकिन अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक फॉर्मर ऑफिसर की तरफ से ये बताया गया है कि उस दिन अभिनंदन जी के प्लेन को एमराम मिसाइल ने हिट किया था, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 के द्वारा फायर किया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर ए कमांडर M.Tufel जी ने बताया कि उस दिन अभिनंदन जी के प्लेन को जिस F-16 ने मार गिराया था उसे विंग कमांडर नुमान अली खान उड़ा रहे थे, और अगर वहां पर JF-17 की बात करें तो उस दिन अटैक में 2 JF-17 शामिल थे, जिनमें MK-83 बॉम्ब को फिट किया गया था। उन्होंने एक डिटेल चार्ट को बनाया है जिसमें ये बताया गया कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स की कौन कौन सी एयरक्राफ्ट उस एयर रेड में शामिल थे और उनमें कौन कौन से हथियार लोड किए गए थे। इस चार्ट को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि सिर्फ F-16 में ही एयर टू एयर मिसाइल को लोड किया गया था, और बाकी फिराज में H-4 क्लास की बॉम्ब और JF-17 में MK-83 बॉम्ब को लोड किया गया था। और यहाँ पर जो दो F-16 का जिक्र किया गया था उनमें से एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट था, जिसे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी उड़ा रहे थे, और इसी एयरक्राफ्ट को ही अभिनंदन जी ने मार गिराया था। अगर आपको याद होगा तो पहले पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 3 पायलट्स को कब्जे में ले रखा था, और बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ही पायलट को कब्जे में ले रखा है, और मजे की बात तो ये थी कि उन्होंने अपने ही पायलट्स को इंडियन एयरफोर्स के पायलट समझकर पीट डाला था। लेकिन अभी भी आपको जितने भी पाकिस्तानी मिलेंगे वो सब यही कहेंगे कि उनकी JF-17 ने ही इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 को मार गिराया था। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है कि JF-17 जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन की इंटर गैलेक्टिक प्लेन है, और ये थानोस की मदरशिप को भी मार गिरा सकता है, तो इसके सामने बॉम्ब से एयरक्राफ्ट को मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप लोग पूछेंगे कि एक बॉम्ब को एक एयर टू एयर वेपन के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को हकीम बाबा की चूरन को हार्पिक में घोल के एक नई तरह की एनर्जी ड्रिंक बनाकर दिया जाता है, जिसको पीने के बाद उनको इतनी मायावी शक्तियाँ मिलती है कि वो प्लेन उड़ाते वक्त कॉकपिट खोल के बॉम्ब्स को दुश्मन के प्लेन के ऊपर फेंक के मार सकते हैं। और पाकिस्तानियों के मुताबिक कुछ इसी तरीके से उनकी JF-17 ने इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 को मार गिराया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।